नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन के इस एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो कीट के जीवन चक्र, जो सामान्य जीवन चक्र है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आम तौर पे सभी जो कीट हैं उनका जीवन चक्र चार स्टेज में से होके निकलता है। अंडा, सुंडी, लार्वा या ग्रब, निम्फ, ये इसकी सेकेंड स्टेज को बोल देते हैं, प्यूपा, कुकून, प्रौड और पतंगा। तो पतंगा जो है या प्रौड है वो अंडे देता है। अंडों में से कुछ दिनों में बच्चे निकल जाते हैं जिनको सुंडी, लार्वा, ग्रब या निम्फ कहा जाता है। उसके बाद ये इस सुंडी स्टेज में अपना भोजन खाता है। शाकाहारी कीट है वो शाकाहारी खाना खाते हैं, और जो मांसाहारी कीट है वो दूसरे कीटों को खा के इस स्टेज में से अगली स्टेज में जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज प्यूपा आ जाती है। प्यूपा स्टेज में ये कीट है कुछ भी खान पान नहीं करता, इसका जो है एक बहुत सख्त खोल में बंद हो जाता है, तो उसमें से फिर ये पतंगा बन के निकलता है। तो प्यूपा स्टेज में ये खाना नहीं खाता है। तो पतंगा स्टेज पे पहुंच के वो अलग अलग रूप में चला जाता है। कुछ उसमें बुगड़े बन जाते हैं, कुछ पतंगे बन जाते हैं, कुछ तितलियाँ बन जाती हैं। तो ये एक सामान्य जीवन चक्र है। तो इसको चाहे वो शाकाहारी कीट है या मांसाहारी कीट है, उसका जीवन चक्र यही होता है। कुछ एक कीट होते हैं जो इन चार स्टेज में से कोई एक स्टेज जो है उसको माइनस कर देते हैं। जैसे कुछ कीट होते हैं किसी खास परिस्थिति में वो अंडे की स्टेज को बाईपास करके सीधे बच्चों को जन्म दे देते हैं। कुछ कीट हैं, खास तौर पे कुछ मांसाहारी कीट हैं, जो प्यूपा या ककून वो उस स्टेज को बाईपास कर देते हैं। इसको मेटामॉर्फिज्म इंग्लिश में बोलते हैं, अलग अलग स्टेज में। और जो सुंडी की स्टेज होती है, इसमें बहुत सारे कीट जो हैं वो भी तीन या चार स्टेज से निकल के जाते हैं सुंडी काल में। उसको इंस्टार बोल देते हैं इंग्लिश में। इंस्टार आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सांप जो अपनी कांजली उतारता है और फिर बड़ा होता है, ऐसे ही कुछ कीट तीन, चार, पाँच, छः अलग अलग कीड़े की उम्र के हिसाब से, और अलग अलग कीड़े जो हैं वो इतने दो या तीन, चार, पाँच इंस्टार में से स्टेज में से निकल के फिर वो पूरा विकसित होता है सुंडी में। तो उसके बाद वो खोल में बंद हो जाता है। तो और लास्ट स्टेज जो खोल में से उसको खाना नहीं खाता, वो अपना रूप चेंज कर लेता है और अंत में जो है वो पतंगा बन के निकलता है। कुदरत में जो शाकाहारी कीट हैं उसका एक संतुलन बनाए रखने के लिए मांसाहारी कीट भी पैदा किए हैं। तो वो मांसाहारी कीट है वो इन कीटों को ये चारों स्टेज पे कंट्रोल करने के लिए मांसाहारी कीट जो कुदरत में मौजूद हैं। अंडा स्टेज पे कुछ कीट परभक्षी कीट होते हैं, जैसे लेडी बर्ड बीटल भी कई कीटों के अंडे खा जाती है, और कुछ कीट जो है वो परजीवी कीट होते हैं। तो ये अंडे के परजीवी कीट जो होते हैं वो अंडे के अंदर कई कीट हैं उनके अंडों के अंदर अंडे दे देते हैं एक छोटा सा छेद करके, तो और उन कीटों का जो बच्चे हैं वो उसके अंदर ही पलते हैं। तो गन्ना की खेती करने वालों ने ट्राइकोग्रामा एक कीट है उसका नाम सुना होगा। तो ऐसे ही वाइट फ्लाई जो है उसके जो आपके बैंगन का है शूट बोरर, तो उसके अंडों को कंट्रोल करने के लिए भी ऐसे कीट जो हैं वो कुदरत में मौजूद हैं। तो अंडे के स्टेज पे कंट्रोल करने वाले ये दो कीट होते हैं। उसके बाद सुंडी, लार्वा या ग्रब, इस स्टेज पे जो शाकाहारी कीट हैं वो जो पौधे का नुकसान करते हैं या पौधे को जो खाते हैं, तो वो इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा जो है वो खाने का काम करते हैं। तो इस स्टेज पे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे परभक्षी कीट होते हैं। परभक्षी में कुछ ऐसे कीट हैं जो इनको चबा के खाने वाले कीट होते हैं, जैसे लेडी बर्ड बीटल हो गया, क्राइसोपा हो गया, आपका प्रेइंग मेंटिस हो गया, ऐसे बहुत सारे कीट हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो उसका जीवन रस चूसने वाले होते हैं। जीवन रस निकालने वाले कीटों में जैसे कातिल बुगड़ा या एसेसिन बग जिसको हम बोल देते हैं, तो उन कीटों की वो श्रेणी आ जाती है। इसके अलावा ये परजीवी कीट होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, जैसे वाइट फ्लाई हो गया, मिली बग हो गया, इनको जो कंट्रोल करने वाले बहुत सारे कीट हैं जो इनके बच्चों के जो इन सुंडी, लार्वा और ग्रब के अंदर अपने अंडे दे के अपने बच्चे इसमें पलवाते हैं और ये उनको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही चेपा को ख़त्म करने वाला फीडियस एक परजीवी जीव है जो इसको चेपे के सुंडी को जो खा के ख़त्म कर देता है। उसके अलावा जो कई पक्षी भी हैं, जैसे आपने छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं
वो जो है वो पक्षी भी इसको उठा के जो ले जाते हैं, खा जाते हैं चबा के। तो इसीलिए कई बार खेती में आपने सुना होगा कि बर्ड परचेज किए हो कि लकड़ी की टी बना के खेत में आप लगा दीजिए, उस पर थोड़ा सा किसी प्लास्टिक के या किसी कटोरी में पानी डाल दीजिए, दाने डाल दीजिए, तो वो आ जाएंगी जो चिड़िया वहाँ पे और उन कीटों को खा जाएंगी। और कुछ रोगाणु भी है वो भी देखे गए हैं जो इन सुंडियों के ऊपर आ जाते हैं और इनको नष्ट कर देते हैं। तो ये सब कुछ कुदरती होता है, आपको इसको समझने की ज़रूरत है। तो बहुत जगह पे ऐसे वो बनाया भी गया है इसको, जैसे रेयरिंग कहते हैं कि पाल के आप इन कीड़ों को छोड़ दें, लेकिन हमने जितने अभी तक ट्रायल किए हैं तो हमने ये देखा है कि ये कीड़े जो हैं वो कुदरती तौर पे उसमें मौजूद होते हैं जब उनको छेड़े नहीं। उसके बाद प्यूपा या ककून स्टेज आती है, तो उसमें भी कुछ परभक्षी कीट होते हैं और कुछ परजीवी कीट होते हैं जो ककून को खा जाते हैं या उसका अंदर से जो जीव रस चूस लेते हैं, या परजीवी कीट होते हैं जो उसके अंदर ही अपने बच्चे उसको अंदर ककून के अंदर ही खा के ख़त्म कर देते हैं। सो जब पतंगा स्टेज आती है तो यहाँ भी ऐसे ही परभक्षी कीट होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं और कुछ रोगाणु होते हैं। तो परभक्षी कीट जैसे ड्रैगन फ्लाई है या फिर डैमसल फ्लाई है, तो ये जो है ये कीट को, ये पतंगे होते हैं शाकाहारी कीटों में या किसी की भी कीट के, तो उनको उड़ते हुए जो खा लेते हैं उनके पतंगों को। सो ऐसे आप देख सकते हैं कि कीट कोई भी हो उसको चार स्टेज पे कंट्रोल करने वाले जो हैं या उनके जो दुश्मन हैं, कुदरती दुश्मन हैं, किसान के या हमारे नहीं, सिर्फ कीट कीट के, हम अगर उनको मार के खाते हैं इसलिए हम दुश्मन, उसको कीट का दुश्मन हम कह सकते हैं। तो वो जो कुदरत में मौजूद होते हैं वो हर स्टेज के लिए मौजूद हैं, लेकिन जितने भी अब तक पेस्टिसाइड बने हैं जो हमारी जानकारी है, कोई भी ऐसा पेस्टिसाइड नहीं है जो यहाँ इसको अंडे की स्टेज पे ख़त्म कर सके या प्यूपा की स्टेज पे ख़त्म कर सके। ज़्यादातर जो पेस्टिसाइड बने हैं वो सुंडी लार्वा या ग्रब ने इस स्टेज को ख़त्म करने के लिए बने हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिकों ने पढ़ाया है कि ये सुंडी जो है इस स्टेज पे जो कीट है वो सबसे अधिक नुकसान करता है। और पतंगे भी हैं वो उड़ सकते हैं वहाँ से खेत में से, अगर स्प्रे की जगह हो रहा हो तो कहीं और पेड़ पे या दूसरी फसल पे जाके वो बैठ सकते हैं, वहाँ से जब इसका असर कम हो जाएगा तो वापस आके वो अपना जीवन चक्कर शुरू कर सकते हैं। और जैसे सुंडी का मारने का एक क्षमता भी इसमें लिखा रहता है कि 80% है, 85% है या 90% है, 100% सुंडियों को वो भी ख़त्म नहीं कर पाते हैं। और ये तो हमने आम सुना ही है कि एक बार जो पेस्टिसाइड स्प्रे शुरू कर देते हैं तो कीट जो है उसका जीवन चक्कर छोटा होने के इंसान के मुकाबले वो बहुत छोटी उम्र होती है उसकी, तो जल्दी से वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं, तो वो कुछ सुंडियाँ भी उसमें बच जाती हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि खेत में जो कीट है जब हम स्प्रे करने जाते हैं तो सारे के सारा सुंडी की स्टेज पे, कुछ अंडे भी होंगे, कुछ प्यूपा भी होंगे और कुछ पतंगे भी होंगे। तो जब हम स्प्रे करते हैं तो सिर्फ यही चार स्टेज में जो एक मासा शाकाहारी कीट है वो ही नहीं मरते, तो उसके आसपास ये जितने कीट और मौजूद होते हैं किसी न किसी रूप में वहाँ खेत में ही मौजूद होते हैं, ये भी मारे जाते हैं। तो जब अगली स्टेज आएगी, उनका अगला लाइफ साइकिल शुरू होगा, नेक्स्ट उसकी अगली पीढ़ी आ जाएगी, तो उस समय हो सकता है ये इतने जो कुदरती कीटनाशी हैं इन कीटों के वो खेत में ना मौजूद हों या वहाँ से भाग जाएं। तो उसके बाद आपको फिर से उनको स्प्रे करने का की ज़रूरत पड़ती है। और वैज्ञानिकों ने हमें बताया, लिखा हुआ है कई जगह वीडियो में हमने सुना है कि जब कीटनाशक स्प्रे किए जाते हैं तो इन कीट जो होते हैं उनमें ये शक्ति होती है कि अपने जीवन चक्र को वो बदल देते हैं या कम कर देते हैं। ये अपना जीवन चक्र, अगर पतंगे ने 20 दिन जीना है तो हो सकता है वो 10 दिन में अपना जीवन चक्र ख़त्म करके वो 10 दिन में ही वो अंडे दे दे। और ऐसा भी सुनने में आया, हमने सुना है, वीडियोस में देखा है, किताबों में भी पढ़ा है कि जो कई कीट ऐसे होते हैं अगर उनको 150-200 अंडे देने होते हैं और पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं तो वो कीट जो है उससे 5 से 10 गुना तक भी अंडे देने की क्षमता रखता है। सो किसानों को ये एक बेसिक सी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि जो कीट होते हैं वो किस किस स्टेज से होके गुजरते हैं, तो कीटों को आपको समझ में आ जाएगी तो उसके बाद आपको खेती में कीट बहुत परेशान नहीं करेंगे, सिर्फ आपको कीट का ज्ञान होगा
तब आप कीटों के साथ मिलकर खेती कर सकते हैं। धन्यवाद।